हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा। उसके लिए पहले हम आलू को तैयार कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 स्पून तेल। इसे हम गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे 1 टी स्पून जीरा। इसे गर्म होने देंगे, चटकने देंगे। और फिर चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, ये 6 से 7 लहसुन के टुकड़े। फिर अदरक, ये काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। इसे देखकर आप सोचेंगे क्यों ना आज हम भी घर पे आलू का पराठा बनाएं। तो ये हमारा लहसुन हो चुका है। इसमें हम प्याज डाल देंगे, 2 से 2 हरी मिर्च। मैंने लाल मिर्च का पाउडर यूज नहीं किया है, इसलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर लाल मिर्च का यूज़ करने वाली हैं पाउडर का, तो आप हरी मिर्च कम डालें। इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब किस टाइम पे हमारा प्याज फ्राई हो रही है, इसी टाइम हम डाल देंगे हल्दी, 1/2 टेबल स्पून, स्वाद के अनुसार नमक। हम आटे में भी नमक डालेंगे। ये है हमारा धनिया पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे 1/2 स्पून जीरा पाउडर। और इन सबों को प्याज के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे आलू। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे मैंने बॉईल कर कर कस लिया है। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा आलू अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल ये अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। अब लास्ट टाइम पे हम डालेंगे धनिया की पत्ती, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके साथ। ये ऑप्शनल है, ये अभी ठंडी का मौसम है तो मिल जा रही है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने आटा गूंथ दिया, हल्का सा नमक और तेल डालकर, और इसमें हमने आलू का फिलिंग जो हमने बनाई थी उसे भरकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेक लेंगे। एक तरफ सिक चुकी है, अब ये दूसरी तरफ हम सेक रहे हैं। तो इसमें हम अब तेल डाल देंगे। अब पलटा कर दूसरी तरफ भी तेल डाल लेंगे। तो फिर हमारा आलू का पराठा बनकर तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू।